आज हम आपको निटिंग में एक बहुत प्यारा सा जूते का डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए ये देखने में बहुत प्यारा है फ्रेंड्स, और ये बनाने में भी आसान है। तो चलिए देखिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें 97 यानी 97 फंदे डाले हैं, और ये 5 और 6 नंबर का जूता है। जो 5-6 नंबर का जूता पहनते हैं उन्हें बहुत इजी से आ जाएगा, इजीली आ जाएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए 97 फंदे डालने के बाद मैंने इसमें 11 नंबर का सिलाई लिया है। अब देखिए हम इसके जो फर्स्ट रो बुनेंगे फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपने उल्टे सिलाई में ही पूरा जूता तैयार करना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये जो बिगिनर्स होते हैं जिन्हें उल्टे सिलाई आती है, वो भी इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। तो देखिए एक आप छोड़ दीजिए, और आपने पूरी सिलाई जो इसकी फर्स्ट रो है उल्टी ही बुननी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पूरी सिलाई को उल्टी बुनने के बाद बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। फर्स्ट रो देखिए, मैंने लास्ट पर आ गए हम इसकी, फर्स्ट रो कंप्लीट होने वाली है। तो देखिए लास्ट का फंदा आपने धागा पीछे करके एक फंदा आपने सीधा बुनना है, और जब आप सीधा बुनेंगी तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपने फिर बस सिर्फ इसे उतारना है, और सेकंड फंदे से आपने उल्टी सिलाई बुननी है। तो फ्रेंड्स मुझे इसमें 13 सिलाइयां उल्टी बुननी है, सिर्फ उल्टा ही बुनना है। उसके बाद हम रेड पट्टी वाले डिजाइन डालेंगे। तो पहले मैं 13 सिलाइयां बुनने के बाद फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। 13 सिलाइयां उल्टी बुन ली हैं, और बुनने के बाद देखिए इस तरह की पट्टी बन गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ऊपर की पट्टी तो ये बुन ली है, अब देखिए हम ये रेड वाले डिजाइन डालेंगे। तो ये देखिए किस तरह से डालेंगे, हमने लाल कलर का ऊन इसमें ज्वाइंट कर लिया है। देखिए ये बहुत आसान है फ्रेंड्स, और ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए आपने क्या करना है, शुरू के आपने 4 फंदे लाल वाले कलर से बुनने हैं इस तरह। 1, 2, 3, 4 फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि आपने उल्टा ही बुनना है। 4 आ गए आपके, फिर आप देखिए एक फंदा ले लीजिए बिना बुने व्हाइट, फिर आपने ये देखिए 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1, 2, 3, और इसके बाद देखिए एक बिना बुने लीजिए, फिर से 3 फंदे उल्टे लीजिए, 2, 3, फिर एक फंदा उतारिए, फिर 3 फंदे उल्टे बुनिए। तो फ्रेंड्स देखिए हर एक फंदा आपने व्हाइट उतारना है 3-3 फंदों के बाद। तो इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ। फ्रेंड्स मैंने देखिए हर 3 फंदों को लाल से बुना है, और एक सफेद फंदा मैंने उतार लिया है। इस तरह से देखिए मैंने इस लाइन को देखिए कंप्लीट कर लिया है, और लास्ट के 4 फंदे जो हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने शुरू में 4 लाल बुने थे, तो लास्ट में भी हमने 4 फंदे उल्टे ही बुनने हैं इस तरह से। अब देखिए ये डिजाइन की फर्स्ट रो थी। देखिए अब हमने डिजाइन की सेकंड रो जो बुननी है, वो भी देखिए बहुत इजी है, सिर्फ उल्टा ही बुनना है। एक उतारिए, और ये देखिए 1, 2, 3, और अब देखिए धागा पीछे करके हमने व्हाइट वाला फंदा उतारना है, धागा आगे करके हमने ये 3 फंदे लाल वाले उल्टे बुनने हैं। फिर देखिए धागा पीछे करेंगे, इसे उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, और हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। धागा पीछे कीजिए, एक उतारिए, धागा आगे कीजिए, और ये 3 फंदे उतार लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरी देखिए 2 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं इस रो की। देखिए ये 2 रो कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखिए इन 2 लाइनों को 4 बार और रिपीट करना है। यानी कि देखिए जैसे इसमें 3 लाइनें आ रही हैं, ये देखिए, तो ये देखिए 2 सिलाइयों में मेरी ये 1 लाइन बन गई है, फिर ये 2 सिलाई में मैंने 1 लाइन बनानी, फिर ये 2, यानी कि मुझे 4 लाइनें इसके ऊपर और रिपीट करनी है। तो ये 3 लाइनें बनाकर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने 6 सिलाइयां लाल से देखिए कंप्लीट कर ली, और देखिए बनने के बाद इसका ऐसा लुक आया है। अब फ्रेंड्स देखिए अब हमने व्हाइट से बुनना है, और 6 सिलाइयों में फ्रेंड्स देखिए 3 लाइनें आई हैं, ये देखिए 1, 2,
तीन, तो तीन लाइनें इस तरह से हमने बुननी। अब हमने सफेद से जो बुनना है वो भी हमने तीन लाइनें यानी छह सिलाइयां हमने व्हाइट से बुननी है। तो देखिए किस तरह बुनेंगे। अब आपने उल्टी तरफ से व्हाइट कलर का ऊन ज्वाइन करना है, यहां से लगाना है। ये देखिए एक दो, दो फंदे आपने व्हाइट से बुनने हैं। फिर देखिए एक रेड फंदा आपने उतारना है। और अब आपने देखिए एक दो तीन, तीन फंदे आपने उल्टे बुनने हैं सफेद से। फिर एक फंदा उतारना है। फिर तीन फंदे आपने उल्टे बुनने हैं सफेद से और एक रेड कलर का फंदा उतारना है। और तीन फंदे उल्टे बुनने हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने सफेद से तीन फंदे उल्टे और एक फंदा उतार लिया लाल वाला, फिर तीन फंदे उल्टे एक फंदा उतार लिया। इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लिया है। और देखिए अब तीन फंदे सफेद से उल्टे आ गए हैं, एक फंदा उतार लिया है और लास्ट में दो फंदे हमारे उल्टे ही बुने जाएंगे व्हाइट से। देखिए और अब फ्रेंड्स देखिए क्या करना है आपने, एक उतार लीजिए, एक आपने उल्टा बुनना है, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा उतार लेंगे लाल वाला, धागे आगे करेंगे। और ये देखिए एक दो और तीन, तीन फंदे हमने सफेद से उल्टे बुनने हैं। फिर हमने ये लाल वाला फंदा उतारना है, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, एक उतार लीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए। और ये देखिए एक दो तीन। तो देखिए फ्रेंड्स ये तीन मैंने, देखिए तीन मैंने व्हाइट से बुने हैं और एक फंदा मैंने रेड वाला उतार लिया है। और दो सिलाइयों में देखिए मेरी ये एक लाइन उल्टी तैयार हो गई है। अब ये एक हो गई फ्रेंड्स। इस तरह से एक दो तीन, तीन लाइनें मैंने सफेद की बुननी है। तो छह सिलाइयां इसी तरह से बुनी जाएंगी। तो मैं ये बनाकर बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स दो, जैसे मैंने आपको व्हाइट से दो रो समझाई थी, इसी तरह मैंने देखिए चार रो रिपीट कर लिए। तो छह लाइनें देखिए इस तरह से व्हाइट से कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए छह सिलाइयां कंप्लीट हो गई। और ये देखिए एक दो तीन, व्हाइट से भी तीन लाइनें बन चुकी हैं। अब देखिए अब हम रेड से, जैसे हमने ये बनाया था इसी तरह अब हमने ऊपर भी रेड से बुनना है। तो देखिए अब हमने क्या करना है, ये देखिए आपने एक दो तीन चार, चार फंदे आपने फिर से रेड बुनने हैं, फिर एक उतारना है, फिर आपने चार फंदे उल्टे बुनने हैं, सॉरी तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर एक आपने व्हाइट फंदा उतारना है, फिर आपने तीन फंदे उल्टे बुनने हैं और एक उतारना है, फिर तीन फंदे रेड वाले ऊन से उल्टे बुनने हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। ये फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है रेड वाले ऊन से। देखिए मैंने तीन फंदे उल्टे बुने हैं, एक फंदा उतार लिया है व्हाइट, फिर तीन उल्टे, फिर एक फंदा उतारा। इस तरह ये रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए सीधी तरफ से हमने फिर से फ्रेंड्स, जैसे हमने देखिए ये तीन लाइनें बुनी थी एक दो तीन रेड से, इसी तरह अब हमने ऊपर बुननी है। तो ये देखिए अब हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन, ये तीन और एक मिला के चार हो गए। फिर धागा पीछे करके एक फंदा व्हाइट वाला उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर ये तीन फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह, फिर धागा पीछे करेंगे और एक उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे, एक उतारिए, धागा आगे और तीन फंदे रेड कलर से उल्टे बुनिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये आपके दो सिलाइयों में, रेड के दो सिलाइयों में ये एक लाइन देखिए कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमने तीन लाइनें बुननी है। जैसे फ्रेंड्स ये देखिए एक दो तीन बनाई थी, अब इन्हें भी तीन बनानी है। तो
ये तीन लाइनें कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तरह से देखिए मैंने छह सिलाइयां देखिए रेड कलर से बुन ली और ये देखिए डिजाइन तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये 18 सिलाइयों का डिजाइन था। देखिए छह मैंने लाल से बुनी थी, फिर छह सफेद से और फिर छह लाल से, तो इस तरह से डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर हमने चार लाइनें सफेद से बुननी है और चार लाइनों में आठ सिलाइयां उल्टी बुनी जाएंगी। तो ये आठ सिलाइयां आप उल्टी बुन लीजिए फ्रेंड्स। तो आठ सिलाइयां बिल्कुल सिंपल हैं, आपने उल्टी उल्टी आठ सिलाइयां बुननी हैं। जब हम आठ सिलाइयां बुन लेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इसके ऊपर देखिए मैंने आठ सिलाइयां बुन ली हैं और देखिए आठ सिलाइयों में चार लाइनें तैयार हो गई। देखिए एक दो तीन चार, आप देखिए इस तरह से आठ सिलाइयां बुनने के बाद आपने देखिए उल्टी तरफ से, अब आपने देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, आपने इस तरह से दो फंदों को एक साथ बुनना है और फिर इस फंदे को इस पे चढ़ाना है। दो फंदों को एक साथ बुनना है और इस तरह से चढ़ाना है। आपने 14 फंदे इसी तरह बुनने हैं फ्रेंड्स। देखिए दो मैंने बुन लिए, ये तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, और चौदह के बाद फ्रेंड्स आपने बचे हुए जितने भी फंदे हैं फ्रेंड्स आपने इन्हें उल्टे बुनने हैं। देखिए इस तरह से 14 फंदे मैंने बंद कर दिए हैं इस तरह, और अब हमने पूरे फंदे उल्टे बुनने हैं इस तरह फ्रेंड्स। आपने अब इसके ऊपर सिर्फ इन्हीं फंदों को सारों को आपने फिर से आठ लाइनें बुननी हैं बस फ्रेंड्स। जिसने उल्टा आता है वो इन जूतों को बहुत इजीली बना सकती हैं। देखने में इतना खूबसूरत जूता बनता है फ्रेंड्स, इसका लुक भी बहुत प्यारा आता है। जब ये तैयार हो जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितना प्यारा बनकर आया है ये जूता। तो फ्रेंड्स ये पूरी आठ लाइनें में इसके ऊपर कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैंने ऊपर की देखिए आठ सिलाइयां और बुन ली हैं इसके बाद। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ लाइनें बनी हैं और ये ऊपर की 16 लाइनें हैं और ये नीचे की 6 लाइनें थी और ये हमने बीच में क्या कहते हैं छह सिलाइयां लाल से, छह सिलाइयां सफेद से, छह सिलाइयां लाल से बुनी है। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया है। देखिए अब फ्रेंड्स देखिए हमने क्या करना है, अब हमने इसको बंद करना है। तो ये देखिए आपने पहले दो फंदे बुनने हैं, इसे बंद करना है। तो इस तरह से दो फंदे बुन लीजिए, फिर इस पे चढ़ा दीजिए, फिर दो फंदे बुन लीजिए और फिर इस पे चढ़ा दीजिए। अब आपने इसी तरह से सारे फंदों को बंद करना है, फिर अब हम आपको इसकी सिलाई बताएंगे। तो फ्रेंड्स इस फंद इसको हम बंद कर इसकी सिलाई करना बताते हैं आपको। दो फंदे बुनिए, इसमें रखिए, फिर दो फंदों को एक साथ बुनिए, फिर इस पर रखिए, फिर इन दो फंदों को एक साथ बुनिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करके इसकी सिलाई बताती हूँ आपको। देखिए मेरी पट्टी देखिए तैयार हो गई है और देखने के बाद देखिए इससे कितना प्यारा सा लुक आया। और सिर्फ फ्रेंड्स ये मैंने उल्टी सिलाई से ही तैयार करी है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, हमने इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए सिलाई कैसे करेंगे, आपने आपने देखिए इसको इस तरह से मोड़ के इस किनारे को इस तरह रखेंगे। ये देखिए
पहले आपने ये देखिए इस तरह से रखना है, यहाँ से सीना है, फिर आपने इसको मिला देना है इससे इस तरह से। फिर उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इस पट्टी को आपने इस तरह रखना है और देखिए फिर यहाँ से सिलाई करनी है। तो पहले यहाँ से सिलेंगे, फिर ये सिलेंगे, फिर ये सिलेंगे। तो पहले मैं यहाँ से सीती हूँ, ये देखिए इस तरह। इस तरह से सिलाई कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहां से और यहां तक मैंने सी लिया है। अब देखिए ये जो पट्टी थी आपने देखिए इस तरह रखनी है, और ये जो आप ये हैं पहले इन्हें इस तरह से इन्हें बांध दीजिए। और बांधने के बाद अब आपने देखिए इस तरह से, इस तरह आपको सीना है। इस तरह से मैं सी लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि इधर की सिलाई हमें किस तरह करनी है। इधर की सिलाई कर ली है, अब देखिए आपने इस तरह से इधर की सिलाई करनी है इसकी, इससे ज्वाइंट करके सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ से कीजिए स्टार्ट, यहाँ से आप सीते जाइए सिलाई को। छोटे छोटे फंदे रखेंगे तो ये मजबूती से बनेंगे, उधड़ेंगे भी नहीं जल्दी। और बाकी के जो ही निकल रहे हैं धागे हम इन्हें अच्छे से काट के साफ कर लेंगे। अगर इसमें है तो इस तरह दबा दीजिए। इस तरह से मैं इसे सी लेती हूँ, इसे पकड़ के इस तरह। इस तरह से हमने इस जूते की देखिए सिलाई कर ली है, यहाँ से सिला, फिर यहाँ से सिला, ये पूरा सिल दिया और अब यहाँ तक सिल दिया। अब देखिए हम इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद देखिए इस तरह से देखिए हमारा जूता बन चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और फ्रेंड्स देखिए अब हम इसके ऊपर यहाँ कुरेशे से इसकी आउटिंग करेंगे, जिससे ये और खूबसूरत लगेगा। ऐसे फ्रेंड्स आप कहीं से भी इस तरह लेके ये देखिए एक देखिए एक दो तीन, तीन चैन बनेंगे, एक बन लेंगे, फिर इसी में इस तरह से डबल क्रोशे से बनेंगे। फिर इसके बाद देखिए आपने देखिए एक दो तीन, तीसरे में आपने इस तरह से बनना है। देखिए छोटा सा प्यारा सा कंगूरा बनाना है, फिर एक दो तीन, फिर ये इस तरह करेंगे, फिर इसी में दोबारा से इस तरह से कर देंगे। फिर देखिए एक दो तीन, तीसरे में हमने इस तरह बुनना है। फिर देखिए एक दो तीन, फिर इसी में लेंगे, फिर देखिए एक दो स्किप करिए और थर्ड में इस तरह से बन दीजिए, एक दो तीन। एक तो स्किप करके थर्ड में इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इस पूरी गोलाई में बनाकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत सा लुक है, और ये देखिए पैरों पे कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए आप इधर से भी देख सकती हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, एकदम स्टाइलिश था जूता बन के तैयार है। और फ्रेंड्स सिर्फ बनाना कितना आसान है, सिर्फ उल्टी ही सिलाइयों में ये बन जाता है, ये देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।